हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में आपने क्या देखा था, एक मस्त पार्टी बीच। और इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं रोडियो ड्राइव, जो कि एक बहुत ही अमीरों का जगह है। और दूसरा देखने वाले हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, जहाँ से सन, स्टार, ये सब चीज़ें और एले ऊपर से नीचे तक दिखता है। ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी जो है एक पहाड़ पर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, थोड़ा इन्फॉर्मेशनल है, तो आइए देखते हैं। तो हम पहुंच गए रोडियो ड्राइव, लेकिन यहाँ पे पार्किंग बहुत टफ है और पार्किंग का बहुत कॉस्ट है। तो हम 5 मिनट घूम घूम के फिर एक रेस्टोरेंट के नीचे हमने पार्किंग लगाया। 2 घंटे का फ्री पार्किंग था। अभी आप वो रेस्टोरेंट देखने वाले हो। व्हाट अ नाइस प्लेस। और शाम का नाश्ता हमने यहाँ नहीं खाया कुछ, क्योंकि हम भूखे ही नहीं हैं इस वजह से। इस एरिया इज अंडर वीडियो सर्विस, ठीक है। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। हम आ गए हैं रोड पे, अब हम कहीं कहीं घूमेंगे। यह रोडियो या रोडियो जो भी बोलते हो वो जगह है रोडियो। ये देखो मस्ती कार। बहुत ही अच्छा साइड वॉक है, बहुत ही अच्छा। यहाँ लोग गड्डी उड्डी लगा के पार्किंग में आराम से भाग लेते हैं। यहाँ बहुत ही रईस रईस रेस्टोरेंट है, हम भी देख रहे हैं अंदर। और अच्छे अच्छे मतलब बाल काटने वाला भी तो हीरो हीरा लाल। महंगे महंगे चीज़ें जो है अमीर लोग उनके लिए है ये चीज़। हम बस साइड वॉक पर घूमेंगे और फिर निकल लेंगे, और क्या। बाकी अमीर लोग जो देख रहे हैं वो लोग आके यहाँ मजे करें। भैया ये रोडियो है ना, रोडियो ड्राइव। रोडियो ड्राइव पहुँचे नहीं है, रोडियो ड्राइव थोड़ा और आगे है। तो हम रोडियो ड्राइव जा रहे हैं थोड़ा और आगे और चलेंगे भी। भैया क्या मस्त जगह लाए हो रोडियो ड्राइव। ये यूरोपियन स्टाइल है ना बड़ा, यूरोपियन यूरोपियन लग रहा है बड़ा। ये देखो यहाँ सब रोड क्रॉस कर रहे हैं। क्या है सब ऐसे ही यूँ ही अच्छा दिख रहा है ये जगह। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड हैं, यहाँ सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। फिर हम चलेंगे घूमने और क्या, परिवार फोटोज। लुई विटॉन है यहाँ। चलिए घूमते हैं। ये क्या है, डॉलर्स एंड कबाना। देख रहे हो इतना महंगा महंगा कपड़ा रखे हुए। ये स्ट्रीट सही में लाखों लाखों का बस गंजी रहता रखता है। ये देखो रखना ही पड़ेगा बॉडीगार्ड, इतना महंगा महंगा सामान रखोगे तो बॉडीगार्ड रखना ही। वैलेंटिनो महंगा महंगा। We are at the expensive street here. देखो सेंट लॉरेंट, यहाँ क्या ही मिलता है ये सब चीज़। हम बस बाहर से घूम घूम के जा रहे हैं, बिकॉज हम खरीद ही नहीं सकते और ना ही खरीदना है। इट्स ऑल कूल, हम घूमेंगे यहाँ स्ट्रीट पे, सिंपल सा बात है। यहाँ पे है सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स अपना शोरूम लगाए हुए, जेगना, प्रादा, टॉर्च। और देखो गुची गैंग। और ये मैंने देखा था बैलेंसीगा, जो भी प्रादा, जेंग, गुची। इधर क्या है, मॉन्क्लेयर। तो गुची का सेंटर बहुत बड़ा है, स्पेशियस। पानी टॉम फोर्ड। अच्छा लोग बाहर से ही देख के अपना मुराद पूरा कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये है थोड़ा एक्सपेंसिव जगह। ये देखो फरारी, फरारी के कपड़े, फरारी का एरिया, फरारी के कपड़े। और अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं रोलेक्स।
दरवाज़ा ही लाखों का होगा, हम बस वही देखेंगे और इतनी खुशी खुशी जाएंगे कि बता भी नहीं सकते। ऑल फन हियर, अब देखते रहते हैं। हाँ भैया, सिर्फ देखने की चीज़ है यहाँ। किधर जाएंगे अब हम? एरिया हैं यहाँ पे, सब लोग बस अपनी गाड़ियाँ ले लेके आते हैं, चमकाते हैं यहाँ पे, भूँ भाँ करके लोग सब गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने लैम्बोर्गिनी को देखा, बुगाटी को देखा, सब गाड़ी मुझे दिख गई जो देखने की मुराद थी। बस हो गया, अभी देखो अभी थोड़ी देर में फिर कोई एटो बड़ी सी गाड़ी आएगी, अब बम बमा के भाग जाएगी। यही हो यार, रईसों का दुनिया देख रहे हैं और क्या। हाँ भाई, कोई रईस वाली गाड़ी वाले आओ। ये देखो सिग्नल होता है, लोग चलते हैं। मम्मी थक गए आप? मम्मी थक गई, कोई ना। दिस इज द फोटो शूट एरिया जहाँ सब लोग फोटो वोटो शूट करा रहे हैं। ऐसे एक लड़की एक फ़ोटो खींच रही है, लोग आ रहे हैं फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखो, ये क्या मस्त जगह है बस घूमने के लिए। लेकिन ये लाखों का जैकेट होगा, पक्की बात है। आओ लेट्स गो फ्रॉम हियर। हाँ, तो हम लोग ऐसे प्लेस आ गए हैं यहाँ पे, सिर्फ रही स्टॉप का देखो, रही स्ट्रीट, रही स्ट्रीट, ये देखो। कैन यू सी गाइस? ऑफ कोर्स यू कैन सी। ये देखो कैसे लगा के रखते हैं, एक छोटा सा चीज को डिस्प्ले में लगा के रखें। यहाँ देखो बैठ के सब खाना खा रहे हैं रोड पे, साइड स्ट्रीट है, यहाँ अलाउड है, इन लोग का रेस्टिंग स्पेस होता है। ये देखो लोग बैठा है, खड़ा है। अरे वाह, हम तो डेड एंड पहुँच गए स्ट्रीट का। और वैसे भाई, ये स्ट्रीट को रोडियो ड्राइव नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए वॉकिंग स्ट्रीट। बस बाहर से आइए, वॉकिंग कीजिए और जाइए, बस अमीर अमीर चीज़ देख लीजिए बस एक बार, और फिर टाटा बाय बाय ख़त्म। टाटा बाय बाय ख़त्म के साथ ये स्ट्रीट भी हमारा ख़त्म हो गया। और अब हम निकल गए हैं कहाँ, आप लोग को याद होगा कहाँ हम जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी कुछ ऑब्ज़र्व करने। वैसे तो रात हो गया है, टाइम नहीं है ये ग्रिफिथ जाने का, दिन में जाना चाहिए जनरली लोगों को, लेकिन हमारे पास कल के लिए कुछ अलग प्लान है। तो आज हम चल जाते हैं ग्रिफिथ, जितना देख पाएंगे देख पाएंगे, जितना समझ पाएंगे समझ पाएंगे। और वैसे भी सिटी लाइट्स रात को देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो उतना देख के अपन निपटा देंगे। अभी हम गाड़ी पार्किंग करके आगे बढ़ रहे हैं। भैया अभी हम बहुत दूर पार्क किए हैं, अपने को पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है। अभी मेकिंग आवर वे टू द ऑब्जर्वेटरी, और डेढ़ घंटे में बंद हो जाएगा ऑब्जर्वेटरी। सो देखते हैं, एटलीस्ट वी विल गेट टू एंजॉय द व्यूज ऑफ एले। इधर एले दिख रहा है, बस ये देख सकते हो पूरा एले दिख रहा है जगमगाता हुआ। और देखो रोड पे भीड़ लगी है, इसलिए रोड भी चमकता हुआ दिख रहा है। वैसे तो ये ऑब्जर्वेटरी वन डे प्लान होना चाहिए, और जिनको ज्ञान लेना है असली, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रीड करने के लिए, पूरा ज्ञान मिलेगा आपको। जिसको ये सैटेलाइट्स, सन मून, ये सब में इंटरेस्ट है, प्लैनेट्स में इंटरेस्ट है, लेकिन अपने को इतना इंटरेस्ट नहीं है, अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट है घूमने में। तो हम घूम लेंगे, और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा टेलीस्कोप भी है जिससे आप चंदा मामा ये सब देख सकते हैं बढ़िया से। और ये है फोकॉल्ट पेंडुलम, इसकी खासियत ये है कि ये 40 मीटर लंबा स्विंग से
लगा हुआ है, और जैसे अर्थ रोटेट करता है अपना तो सब कुछ रोटेट करता है, लेकिन इसका कुछ सिस्टम है, नीचे मैग्नेट है, ऐसा कुछ सिस्टम है जिस वजह से ये रोटेट नहीं करता है। एक्चुअली में पूरा अर्थ रोटेट करता है लेकिन ये कांस्टेंट रहता है। तो यही है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं बैठ के कैसे अर्थ एक्सिस क्या है, कौन सा डिग्री पे जाता है। बस यहाँ ऑब्जर्वेशन है, दिस इज़ ग्रिफिथ ऑब्जर्वेशन एरिया, तो सब लोग बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस सी पीपल इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं सर। ये तो मेन पेंडुलम था, इसके बाद बहुत कुछ है। देखो ये है सन एंड स्टार्स, ये देख रहे हो, ये है ऑब्जर्वेटरी, और इसके रेफरेंस में यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सा स्टार कब कब किस किस मंथ में पार होता है। तो इस मंथ में आएंगे तो आप ये स्टार देख सकते हो, मतलब टेलीस्कोप से ऑफ कोर्स। तो इस टाइप से यहाँ पे दिखा रहा है, देखो दिन का समय, रात का समय, एक मतलब यू नो विजुअल एक्सप्लेनेशन है। और आप अच्छे से पढ़ो यहाँ पे। और ये देखो, ये है टाइड्स। अब देखो कौन सा टाइड आता है, किस मंथ पे, किस समय में, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है बराबर। और मैंने आपको बताया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा पढ़ने में, मैं तो जल्दी जल्दी देख के बस भाग रहा था क्योंकि टाइम अपने पास कम था। और अब क्या ही बोला जाए, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला चीज़। ये देखो, ये देख रहे हो ब्लू वाला अपना अर्थ, उसके बगल में घूम रहा है मून। यहाँ पे ये दिखाया था कि इक्लिप्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे होता है, यहाँ पे इक्लिप्स का लॉजिक है। तो ज्योग्राफी जिसको पसंद है ना, उस टाइप के बच्चे तो यहाँ आके मस्त बैठ जाएं भाई। ये देखो चार स्तंभ, उधर लग रहा है कुछ सीक्रेट बेस उस टाइप का है, कुछ भयंकर सा चीज़ रखा हुआ उधर। लेकिन छोड़ो, इधर देखते हैं इधर क्या है भाई। ये है क्या लिखा है, ओके प्रेस द बटन हियर। ये है हीलियम, अब बाजू में हम मर्क्यूरी, इसमें आँख लगा के देखना है। और ये क्या दिखा रहा है, ये शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में कुछ बता रहा है। ये मर्क्यूरी है, दबाओ, ब्लू लाइट आया, आँख लगा लगा के देखो कि कैसे होता है एक्सप्लोजन। बहुत अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मैंने बोला ना ज्योग्राफी के बच्चों के लिए भाई बेस्ट है। ए क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ये सुपरमैन, सुपरमैन यहीं आएगा भाई, यहीं से देख। ओ देखो देखो, यहाँ पे प्रॉपर देखो अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ। यहाँ पे प्रॉपर मंथ्स बता रहा है, कैसे कैसे मंथ आता है, क्या क्या होता है, किस टाइप से। और ये देखो डिस्प्ले स्क्रीन में फिर यू नो विंटर, समर, फेब्रुअरी, मार्च कैसे पास होता है। और ये फोटोज है, समर सन कैसा होता है, विंटर सन कैसा होता है, क्यों ऐसा दिखता है, और कैसे कैसे सीजन्स आते हैं। तो मतलब यू नो सबका एक्सप्लेनेशन अप्रोच दिया हुआ है। ये देखो सन भाई साहब, बट दिस इज द फर्स्ट टेलीस्कोप दैट वाज बिल्ट इन लाइक दैट वाज यूज्ड इन एलए। अच्छा, 88 में एक न्यूयॉर्क का कंपनी इसको बनाया था, और 5.5 फुट लंबा है ये टेलीस्कोप। इससे बहुत सारा मिल्की वे, बहुत सारा नेब्यूला एक्सेट्रा देखे थे। बटन दिखता नहीं है कि मैं उंगली कर देता हूँ भाई साहब। ये देखो उंगली करने से जल गया है लाइट। ओहो भाई साहब, उंगली करने का फ़ायदा। मैंने बटन प्रेस किया, दिख रहा है कैसे हमने देखा था, कैसे रिफ्लेक्ट होके हमें दिखता है आई तक। टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट है यहाँ, ये रिफ्लेक्टिंग था, ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसको दबाओ, ये दिखाते हैं कैसे कॉन्सेप्ट है। एमिंग अ बिग टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप हमारे सामने है। मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज इसको पोजीशन कर सकता हूँ। ये देखो ये हिल रहा है, शटर्स ओपन कर सकता हूँ, देख लें नॉर्थ साउथ, चलिए ठीक है नॉर्थ की ओर लेके जाते हैं इसको। वर्किंग, इट मे बी वर्किंग, अब ऑब्जर्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ से एले को, पहुँचते एले, वेरी शाइनी, कैमरा से कैसा दिख रहा होगा नहीं पता, लेकिन आँखों से तो जगमगाता हुआ दिख रहा है, एकदम अनबिलीवेबल टाइप का लग रहा है। कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं हो सकती, वैसा ही है ये।
ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के छत पे हैं हम। ऐसे पूरा शहर दिख रहा है और इसमें टेलीस्कोप है वहाँ, वो वाइट रंग का टेलीस्कोप नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ टेलीस्कोप है। तो टेलीस्कोप से हमने चंदा मामा देख लिया और ब्लॉग करना ही भूल गए, और अब खा पी के मस्त, अब नींद आ रही है, थक गए हैं और हम जा रहे हैं घर। तो आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। गुड नाइट।